जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित, और दोस्तों मिस्टर स्कैल्पर की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से मार्केट ने एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा साइडवेज एंड चॉपीनेस वाला ट्रेड हमें आज के दिन दिखाया, और दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेज आज हंट करते हुए बाजार में जो है हम लोगों को दिखे हैं। और अगर हम टेक्निकली बात करें तो निफ्टी जो कि एक इंडेक्स है 18,000 का, 18,000 का एक इंडेक्स है, उसको केवल 40 पॉइंट की रेंज में आज रखा गया। तो आप सोच सकते हैं किस टाइप का मूवमेंट हमें आज के दिन मिला होगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो एंड का अगर हम फॉल वाला टाइम निकाल देते हैं तो केवल 100 पॉइंट की रेंज में जो है बैंक निफ्टी को रखा गया। फाइनेंस निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, जस्ट लुक एट द रेंज यार, 30 पॉइंट की रेंज में फाइनेंस निफ्टी को आज इन्होंने पूरे दिन रखा है। और मज़े की बात क्या है, जब मार्केट इतना ज़्यादा साइडवेज था, इतना ज़्यादा जो है अनट्रेडेबल था, हर ब्रेकआउट जो है वो फेल हो रहा था, हर ब्रेकडाउंस जो है वो रिवर्स हो रहा था, उस दिन सबसे सरप्राइजिंग चीज़ क्या है, हमारा इंडिया विक 9.5% ऊपर है, 8.5% ऊपर है। तो ये मार्केट का जो है ऑपरेटर का गेम है। अब इस गेम को हमें किस तरीके से खेलना है वो अपने ऊपर है। आज देखो, आज अगर आपका बहुत सारे लोगों के मैसेज आए होंगे, और टेलीग्राम ग्रुप, जो लोग हमारे फ्री ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं है, लिंक उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोर देन 89,000 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं, यहाँ पे कोई भी ट्रेड्स वगैरह होते हैं मैं शेयर करता रहता हूँ, फ्री ग्रुप है यार, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने एक फिन निफ्टी का ट्रेड शेयर किया था, 19,350 का कॉल ऑप्शन, 2 रुपये में मैंने बोला था, 4.5 का हाई लगा, डबल से ज़्यादा यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद अपन ने एक ट्रेड ट्राई किया था पुट का, और 2 रुपये के एसएल में हम लोग वहाँ से निकल गए थे, ज़्यादा कुछ अपने को मिला नहीं था। तो एक एसएल वाला ट्रेड, एक नॉन एसएल वाला ट्रेड, तो इट वॉज़ अ, ऐसे दिन में भी अगर हम एक अच्छा ट्रेड और एक ख़राब ट्रेड में आ गए ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आज के दिन आपका लॉस हुआ है, इफ टुडे यू हैव मेड अ लॉस, तो आपने कुछ गलत नहीं किया है। अपनी स्ट्रैटेजी को दोष मत ठहराइएगा, अपनी साइकोलॉजी को दोष मत ठहराइएगा, अपने जो बोलते हैं ना ट्रेडिंग स्किल को, ट्रेडिंग सेटअप को गलती जो है वो मत ठहराइएगा, उसको बदलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट फॉर ऑप्शन बायर वॉज ट्रूली अनट्रेडेबल टुडे, बहुत ज़्यादा अनट्रेडेबल, क्योंकि 30 पॉइंट की रेंज में अगर एक्सपायरी वाले दिन फिर निफ्टी चलेगा, 100 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी चलेगा, और हर वक्त जो है मूवमेंट इतना स्लो तरीके से आएगा, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मतलब बहुत ही माइन्यूट लेवल पे आपको स्कैल्प करना पड़ेगा इस टाइप के मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। तो ये तो एक चीज़ पहले रही, तो सबसे पहले काम डाउन हो जाइए अगर आज के दिन आपका लॉस हुआ है तो। बहुत लोगों का लॉस हुआ है भाई, बहुत लोगों का, और एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सारे लोग नहीं आएंगे कि हाँ भाई हमारा आज के दिन लॉस हुआ है, मार्केट अच्छा नहीं था। बट मैं उन लोगों में से हूँ जो सामने से एक्सेप्ट करते हैं भाई कि आज का दिन मार्केट, अगर एज एन ऑप्शन बायर आपका लॉस हुआ है तो कोई इसमें जो है घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे दिन आएंगे जहाँ पे आपको मूवमेंट्स नहीं मिलेंगे, ऐसे दिन आएंगे जहाँ आपको स्कैल्प्स नहीं मिलेंगे, आपको डीप इन द मनी जाके स्कैल्प करना होगा, 10 पॉइंट 15 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, बट वो बहुत ही एक्सपीरियंस लेवल के स्कैल्पर्स की बात हो गई, ठीक है। तो इट्स नॉट, इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है भाई, होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, अब कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। देखो, कल रात को फेड की मीटिंग का नतीजा आने वाला है। आज अगर हम बात करें तो अमेरिका के फ्यूचर्स 40-50 पॉइंट नीचे हैं, नैसडैक फ्लैट है, यूरोप मार्केट अगर आप देखते हो तो वो भी बिल्कुल फ्लैटिश ही कारोबार कर रहे हैं, यूरोप में भी कुछ ऐसा खास कारोबार हम लोगों को दिख नहीं रहा है, तो वहाँ से कोई टेंशन की बात नहीं है। अब दिक्कत की बात क्या है ना, दिक्कत की बात ये है कि अगर हम बात करते हैं मेन फेड की, तो उससे पहले आज जो है ऑस्ट्रेलियन RBA, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग थी। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग से आप सोच रहे होंगे आज हमारा बाजार गिरा क्यों, अंडर परफॉर्म क्यों किया, विक्स में क्यों राइज आया, उसका रीजन मैं समझाता हूँ। अराउंड द ग्लोब ये जो डिसीजन आज रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आया है,
जो पहला बैंक था, वन ऑफ द फर्स्ट बैंक जिसने रेट पॉज किया था, रेट हाई करने के वक्त रेट पॉज किया था कि इन्फ्लेशन कूल डाउन हो गया, अब हमें रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसने आज 0.25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया है, तो उन्होंने पलटी मारी है। अब बाजार को क्या है ना, ये चीज़ पसंद नहीं आई। और ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स अगर आप देखो तो वहाँ पे अच्छी खासी 1.5-2% के आसपास की गिरावट हम लोगों को देखने को मिली है, और एशिया में भी इसका इम्पैक्ट और यूरोप में भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिला है। अब ये फेड के लिए एक बड़ा जो है ट्रिगर साबित हो सकता है कि फेड कमेंट्री क्या देता है। अगर कल यूएस मार्केट, यूएस फेड ने कमेंट्री कुछ हार्श दी, तो देर कुड बी अ मैसिव रिप्रकॉशंस, जहाँ पे अमरीकी बाजारों में एक अच्छा खासा डीप करेक्शन आ सकता है। बट आज अच्छी चीज़ क्या है, आज कोई बड़ा डेटा नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं है। आई थिंक जोल्ट्स नंबर आएगा आज, जोल्ट्स नंबर, और जोल्ट्स नंबर जो है वो अगर ठीक ठाक आता है तो आई डोंट थिंक सो अमेरिका में कुछ ज़्यादा ख़राब होगा। बट हम लोगों को अब क्या देखना है ना, कि आज जो है हायर लेवल पे फर्स्ट टाइम कॉल राइटिंग हुई है, मतलब 18,200, 18,300 बहुत तगड़ी कॉल राइटिंग इस लेवल के आसपास होती हुई दिखाई दी है। बैंक निफ्टी में 43,400, 500 के आसपास बड़े लेवल की कॉल राइटिंग जो है आज के दिन हुई है। तो अब अगर बड़ी तेज़ी होनी है, आपको इस बाज़ार में तेज़ी में जाना है, तो सिंपल है, जब तक 18,180 का लेवल, 18,180 का लेवल नहीं निकलता, मैं अब तेज़ी के हक में नहीं हूँ। सिंपल है, 18,180 का हाई कटता है, खुल के तेज़ी करिए। पहला टारगेट अपने को मिलेगा 18,250 का, उसके बाद के टारगेट्स के लिए यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे कोई भी अपडेट होगा मैं आपको जो है अपडेट कर दूंगा लेवल्स वगैरह के बारे में, लेवल समरी वगैरह, ठीक है। डाउन साइड में क्या है ना, फर्स्ट सपोर्ट जो मेरे को दिख रहा है वो है ये गैप, ये गैप। तो 18,080 का लेवल, 18,085 का लेवल अगर मार्केट जो है ऊपर से आते हुए पियर्स करता है, नीचे की साइड काटता है, तो ये एक बड़ा नेगेटिव साइन होगा मेरे हिसाब से। और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली पहला टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा दैट वुड बी अराउंड 18,030 तक का, 50 पॉइंट। एंड देन उसके बाद हम लोगों को एक बार के लिए दोबारा से 17,950-1,960 की रेंज जो है वो टेस्ट होती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। अब इसका एक और रीज़न क्या है, अगर मैं डेली चार्ट्स के ऊपर जाता हूँ, इफ़ आई सी द डेली चार्ट्स, और यहाँ पे हम लोग फिबोनाची लगाते हैं, डेली चार्ट्स पे इस हाई से लेकर इस लो तक अगर हम फिब ड्रॉ करते हैं, फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, तो एक बड़ा लेवल जो है हम लोगों को जो है मार्केट निकालता हुआ दिखाई दे रहा है, वह 18,085 का, दैट इज 0.618 का लेवल। बट यहां पे अगर आप देखो डेली चार्ट के ऊपर कितना बड़ा कंजेशन जो जोन जो है वो बना हुआ है, यहां पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने अटेम्प्ट किया, 4 बार इधर, 4 बार इधर और 2 बार इधर, और हर बार जो है बाजार फेल हुआ है, प्लस पिछले 6 दिन से लगातार चल रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा भाई कि बेच दो, 17,500 आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये चीज़ें अगर आप डे ट्रेड करते हुए सोचोगे ना, तो आप कभी डे ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। बट हम लोगों को क्लियर दिख रहा है कि एक बड़ा रेजिस्टेंस है और इस पे पहली बार टच कर रहा है, तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से एक हल्का पुल बैक आए, जैसे हमने जब 0.5 का लेवल 17,850 टेस्ट किया था डेली टाइम फ्रेम पे, तो 2-3 दिन का हॉल्ट आया था। हो सकता है इसी तरीके से एक 2-3 दिन का हॉल्ट आए, दोबारा से हम 17,850-900 की रेंज में आए, देन यहाँ से ब्रेकआउट दें इस तरीके से, अगर हम जो है वो देखें तो हो सकता है कुछ इस तरीके का पैटर्न अपने को देखने को मिले, एक बड़े लेवल का इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बने। तो ये चीज़ें हमें माइंड में लेके चलनी है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक लेवल डिसाइड किया था हम लोगों ने कल के वीडियो में, जिन लोगों ने भी कल का एनालिसिस नहीं देखा है वो लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, कि बैंक निफ्टी ना 43,500 से 600 एक बहुत बड़ा हर्डल जोन है। क्योंकि अगर आप इस लेवल पे देखो, 43,500 से 600 का हर्डल देखो, तो 5 बार यहाँ पे लगभग अटेम्प्ट हुआ था, एक बार उससे पहले भी 5 बार अटेम्प्ट हुआ था, और उससे पहले भी 2 बार अटेम्प्ट हुआ था, तो लगभग 10-12 बार इस लेवल पे अटेम्प्ट हुआ था, तब जाके इस लेवल पे जो है बाजार निकाल पाया था और ऑल टाइम हाई बनाया था 44,190 के आसपास, 200 के आसपास का। तो अगर बाजार को निकलना है
तो 43,590 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। कल भी बाजार के लिए सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ा हर्डल यही है कि बाजार को अगर सस्टेन करना है तो 43,500 से 600 का जोन, मैं आपको लेवल देता हूँ 43,574, इसके ऊपर बाजार निकलता है, ये बाजार इस हफ्ते ही एटीएच मारेगा बैंक निफ्टी में पहली बार। बट जब तक ये मार्केट 43,480 के ऊपर नहीं निकलता है, मैं बाय करने की कोई चेष्टा नहीं करूंगा। मेरे लिए 480 तक का कोई भी राइज अगर आएगा वो सेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आज इसने 3 बार रेजिस्ट किया है। तो ये अब अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। डाउनसाइड में क्या है ना, डाउनसाइड में जो पहला सपोर्ट एक स्ट्रांग दिख रहा है वो दिख रहा है अराउंड 43,100 के आसपास। तो 43,100 के आसपास बाजार आएगा, यहाँ पे हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे। ये एक वॉलेटिलिटी जोन है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो है वॉलेटाइल होगा, एंड देन शायद नेक्स्ट वीक हमें एक ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे अगर डाउनसाइड प्रोटेक्टेड रहती है तो। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।